स्टार्ट करूँ, ठीक है? और अगर अभी क्लास लेफ्ट होती तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना फिर, ठीक? शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का जो आपका चैप्टर नंबर वन है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। और इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले, आपका जो चैप्टर वन पढ़ने के लिए जो भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सारे बेसिक कंसेप्ट जल्दी जल्दी करके हम लोग सीख रहे हैं, है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक किए। पहला पूर्णांक सीखा था हम लोगों, पूर्णांक होता क्या है, तो इसको मैं पहले जल्दी समझा देता हूँ। देखो, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है, आप बोलोगे इस तरीके से, मान लोगे डिफाइन करना हो ना आपको, कोई बोले परिभाषित करो पूर्णांक को, आप बोलोगे सर जितने भी पूर्ण संख्या है उसको लिख लेना है, ठीक है? अच्छा, इसके पहले, इंटीजर के पहले आपको ये याद रखना होगा कि एन क्या होता है। एन होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ये एक से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा बताओ तो, सभी बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी पूछ रहा हूं, सबसे छोटी नहीं पूछ रहा, तो आप बोलोगे सर अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, है ना? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप 9-10 ऐसे नहीं बता, ठीक है? इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो ये होता है इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है? तो इस तरीके से लिखते हो, 8 को घुमा देते हैं, है ना? तो इस तरीके से याद रखना, इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है? इसी तरीके से मैं होल नंबर अगर लिखूं तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर में जीरो में आप सभी नेचुरल नंबर को मिला, है ना? नेचुरल नंबर में जीरो को मिला दिया, तो यहाँ से आप बोलोगे सबसे छोटी जीरो होगा, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, है ना? अगर मैं इंटीजर की बात करूँ देखो आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे, बोलोगे सर आप सभी होल नंबर को लिखो, सभी पूर्ण संख्या को लिखो, इसी में आप नेगेटिव नंबर को भी मिला लो, नेगेटिव किसका, होल नंबर का ही नेगेटिव मिलाओगे, सभी नेगेटिव को नहीं मिलाओगे, मतलब -3.4 को नहीं लोगे, ठीक है? जो पूर्ण संख्या है उसी का नेगेटिव, मतलब इसका मतलब क्या होगा, आप लिखोगे होल नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है? और इसका नेगेटिव सारे नंबर ले लो, -1, -2, -3 इस तरीके से, ठीक है? तो इधर हो गए 0 से बड़े वाले, इधर हो गए 0 से छोटे वाले। आप देखो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो पूर्णांक, पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे सारे, और इधर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे सारे, है ना? तो ये तीनों ही चीज आ जाएगी, इधर नेगेटिव ऋणात्मक, इधर धनात्मक और 0, मतलब आप कह सकते हो सर 0 ले लेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर ले लेंगे, सभी नंबर को नहीं लेंगे, सभी पॉजिटिव को नहीं लेंगे, जैसे 3.4 लिखा हुआ, तो ये तो धनात्मक है लेकिन इसे नहीं लेंगे, है ना? ये सारी चीज पता है, पढ़ाया गया, 0 लेंगे, नेचुरल नंबर ले लेंगे, और इन्हीं नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर को ले लेंगे, तो ये सभी के सभी पूर्णांक होंगे, ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, तो 2 पूर्णांक है, 0 ये भी पूर्णांक है, -2 ये भी पूर्णांक है, ठीक है? ये सारे पूर्णांक, ठीक है? चलो अब इसको मैं मिटा के एक चीज पूछ रहा हूँ, इसका ध्यान से सुनिएगा, आंसर दीजिए, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी क्या, यस या नो? देखो इसका आंसर नो करना है आपको, ध्यान से समझिए। उदाहरण के तौर पर बोलूं ना, सभी पूर्णांक का मतलब क्या होगा, आप एक पूर्णांक 3 लो, 3 तो ठीक है कि ये इंटीजर भी है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते थे इंटीजर, है ना? और ये होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन अगर मैं ले लू -3, तो देखो ये पूर्णांक तो है, ये इंटीजर है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, है ना? ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। अब क्लियर है? तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक? उसके बाद संख्याओं का योग करने भी आपको बताया गया था, है ना? तो वो संख्याओं का योग में ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलू कि 125 को आपको 78 से जोड़ना है, तो बताओ कौन सा सही होगा? आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख के जोड़ देंगे क्या, या 125 लिख के 78 ऐसे लिखे, बताओ कौन सा सही है, ए वाला या बी वाला? तो यहां से आपने क्या सीखा कि इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान लिखना पड़ता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही होगा। आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है? जोड़ना जब स्टार्ट करते हैं तो आप इधर से बढ़ते हो जोड़ने के लिए, या इधर से स्टार्ट करते, बाएं से या दाएं से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, बताइए। तो आप बोलोगे सबसे दाहिने से स्टार्ट करते हैं सर, इकाई से, आप आगे से ऐड नहीं करते, ऐसे गलत हो जाए, ठीक है?
तो जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे इस तरफ से राइट साइड। कभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है, कहाँ आंसर करोगे? आप सभी को पता है, आप सभी की अब इतनी सारी क्लासेस हो चुकी है, अब तो आप सभी को पता है कि पोल सेक्शन में आंसर करना है ना। अभी थोड़े देर में आपका पोल लॉन्च किया जाएगा, ट्राई करो इसे। वह संख्या बताना है तो 954 से 133 अधिक है। अच्छा मोहित के नाम से जो बच्चे हो आपका, ठीक है अब बंद, ठीक अभी लोग आंसर करें। देखो इसमें आप क्या करोगे, 954 से 133 अधिक, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, सेम क्वेश्चन था, डेटा बस अलग था, ट्राई करो इसे करने की। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी कुछ लोगों के आंसर नहीं आए, ठीक है काफी लोगों ने आंसर दिया है, वाले भी सभी लोग ट्राई करो। अब ये सारे क्वेश्चन तो काफी आसान है, काफी जल्दी आप आंसर कर पाओगे, तो ट्राई करो जल्दी से आंसर करने की। देखो 10 सेकंड और रुकेंगे क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है आंसर करो जल्दी से अगर नहीं किया। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ, चलो इसको समझते हैं। तो कोई आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जैसे सभी का आंसर सही है, एक दो बच्चे का आंसर गलत है, लेकिन ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे करना है, 954 से 133 अधिक, अगर मैं बोलूं 5 से, पहले ये बताओ 5 से 3 अधिक है ना कौन सी संख्या होगी, अगर मैं ये बोलूं तो क्या बताओ 5 से 3 अधिक, बोलोगे 8 होगा सर, है ना। आपने क्या किया 5 में 3 जोड़ दिया है ना, 5 में 3 जोड़ के 8 बोले, 5 से 3 अधिक बढ़ाना है ना। उसी तरीके से अगर मुझे कह रहा है 954 से 133 अधिक, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 954 है ना, यहाँ पे लिखोगे 133 है ना, और जोड़ दोगे। जोड़ना किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे है ना, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 4 में 3 आपने जोड़ा, 4 में 3 आपने जोड़ा क्या मिलेगा, 4 में 3 जोड़ा 7 मिला, ठीक है। 5 में 3 आपने जोड़ा, 5 में 3 ऐड करके कितना मिल रहा है, 5, 3, 8 मिल रहा है, और 9 में 1 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा तो 10 मिल रहा है ना, 1087 हमारा सही उत्तर है, क्लियर है ना। ये तो काफी आसान था, बस जोड़ था, काफी सिंपल काफी इजी, ये क्लियर है सभी का। आगे बढ़े, देखो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का। अब ये हो सकता है काफी बच्चों को सब्ट्रैक्शन भी पता है ना, और पता ही होगा आप सभी को, तो क्या करना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर देना, ठीक है जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं जल्दी जल्दी आप आंसर करोगे, जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी, छोटे छोटे कंसेप्ट समझ में आए। अच्छा देखो लास्ट जब एडिशन पढ़ा रहा था वहां पर एक क्रमशः के बारे में बताया था, क्रमशः का मतलब क्या होता है, देखो असिन पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब असिन के पास 5 ट्रॉफी है, ठीक है। सानू बाद में लिखा हुआ है तो सानू के पास 4 ट्रॉफी है ना, तो यानी मैं कह रहा हूं अगर असिन के पास 5 ट्रॉफी है, सानू के पास 4 ट्रॉफी है, ठीक है, क्रमशः का मतलब यही हुआ ना, क्रमशः का मतलब ये होता है जो पहले लिखा हुआ है क्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं किसके पास अधिक ट्रॉफी है, ये बताओ किसके पास अधिक है, असिन के पास या सानू के पास, तो बोलोगे असिन के पास सर, है ना असिन के पास ज्यादा ट्रॉफी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितना अधिक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ असिन के पास, अगर इसके पास 5 ट्रॉफी है, सानू के पास 4 ट्रॉफी है, तो किसके पास ज्यादा है और कितना अधिक है, बोलोगे असिन के पास ज्यादा है, और साफ दिख रहा है कि असिन के पास सानू से 1 ट्रॉफी ज्यादा है। क्या किया आपने, जोड़ा या घटाया, आप बोलोगे सर 5 में से 4 को घटा दिया और आंसर हमारा आया 1, तो आप बोलोगे सर 1 ट्रॉफी अधिक। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अधिक आ रहा था, यहाँ भी अधिक आ रहा है, अधिक को देख के कई बार सोचते हैं ना कि जोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा जोड़ते नहीं है, आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है ना कि अधिक का मतलब क्या हो रहा है ना। जब भी आपको दो चीजों में अंतर पूछा जाए है ना, डिफरेंस पूछा जाए, तो वहां पर आपको घटाना होगा, जरूरी नहीं यहाँ पर ट्रॉफी की बात कर ली है ना। मान लो अगर मैं कहूँ ये तो आंसर आ गया 5 में से 4 घटा के,
मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि दो पर्सन है ना, दो भाई है, ठीक है, एक का एज है 12 वर्ष, है ना, 12 वर्ष इसका एज है, इसका एज है 8 वर्ष, तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, ए या बी, कौन बड़ा है? आप बोलोगे सर ए बड़ा है। कितना बड़ा है ए बी से, कितना बड़ा है, कितने वर्ष बड़ा है? तो आप बोलोगे 4 साल बड़ा है ना, 4 वर्ष बड़ा है ना, कैसे किया आपने घटा दिया, तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हो, है ना। तो जब भी आपको अंतर आ जाए, ये देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं लिखा है अंतर या इंग्लिश में लिखा है डिफरेंस, है ना, तो डिफरेंस जब आपको देखना है तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, ठीक है, डिफरेंस जहाँ रहेगा सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। मैं अगर पूछूं कि ए बी से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 4 वर्ष बड़ा है, बी ए से कितना छोटा है, तो आप बोलोगे 4 वर्ष छोटा है ना। तो ए अगर बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी ए से 4 वर्ष छोटा होगा कि नहीं छोटा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कहेंगे एक आंसर आया तो हम कहेंगे आसिफ के पास एक ट्रॉफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 98 में से 17 को घटाना है ना, मान लो आपको ऐसे लिख के दे दिया 98 माइनस 70, तो आप क्या करो, इस तरीके से आपने लिख दिया है ना, इकाई के अंक के नीचे इकाई अंक लिखेंगे, ठीक है, 98 के नीचे 17 लिखेंगे, ठीक है। अब इकाई के नीचे 7 है तो ये दोनों को 8 में से 7 घटाओगे, है ना, 8 में से 7 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है, और 9 में से 1 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 81। तो ये तो सीधे सीधे हमने 81 कर दिया। अच्छा मुझे बताओ अगर 98 में से मुझे सिर्फ 7 घटाना रहता तो कैसे लिखेंगे, मुझे बस इतना बताओ 98 में से 7 ऐसे लिखना सही होगा या 98 में से 7 ऐसे लिखना सही होगा, ये ए वाला सही है या बी वाला सही है, कौन सा सही? तो आप बोलोगे सर इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, और स्टार्ट हमेशा पीछे से करें, है ना, इकाई के अंक से। तो यहाँ से बोलोगे 8 में 7 गया 1 और ये 91 गया, ठीक है। चलिए तो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सीखते हैं हासिल वाला सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन 75 में से 17 घटा, देखो ये तो क्लियर है 75 बड़ा है कि 17 बड़ा है, ये बताओ 75 बड़ा है। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा सकते हैं, है ना, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा सकते हैं, ठीक, कभी भी घटाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में, ठीक। उसके बाद अगर मुझे अब इस तरीके से मैं 75 माइनस 17 को मैं 75 यहाँ लिखा 17 नीचे लिखा, अब मुझे बताओ अगर मैं 5 में से 7 घटाऊं तो 5 में से तो 7 नहीं घटा पा रहे हो ना, है ना, 5 छोटी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम कैसे घटाएं, है ना, तो छोटी में से बड़ी संख्या। अच्छा फिर से चेक करो, काफी लोग के आंसर ये गलत आ रहे हैं, 60 कैसे आंसर आएगा, इसको ट्राई करो खुद से करने, और अगर नहीं कर पा रहे मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। देखो इसको भी ध्यान से सीखना है आपको, क्योंकि कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। देखो 75 माइनस 17 ऐसे लिख दिया, अभी क्या करना है आपको, देखो 5 में से आप 7 नहीं घटा पाओगे, क्योंकि 5 छोटी संख्या है, तो क्या करोगे 7 से ये 5 हासिल लेगा, अपने पड़ोस से एक हासिल लेगा, ठीक है, अपने आगे वाले से, ठीक है। अब जब हासिल लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जब इसको एक हासिल देगा तो ये 5 क्या बनेगा बताओ मुझे, ये बताओ 5 6 बन जाएगा या 5 15 बन जाएगा, जिनको पता है वो बताइए, 6 बनेगा या 15 बनेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हासिल लेता है आगे से आप क्या लिखोगे, इस 5 को काट दो, जैसे ही ये हासिल लिया ना यहाँ पर आप लिख दोगे 15, क्या लिखा आपने 15 लिख दिया, ठीक। अब ये 7 को मैं काट के क्या लिखूं, यहाँ 7 को यहाँ पर काट के क्या लिखोगे ये बताओ, यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 को काट के एक हासिल दे दिया तो 7 में से 1 घटा दोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप 15 में से 7 घटाओगे, बताओ 15 में से 7 घटाए कितना आता है, 15 में से आप अगर 7 घटाओगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर 8 मिलेगा, तो यहाँ पर 8 दे दिया। और अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ 6 बचा हुआ है, तो 6 में से 1 घटाओगे तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 मिलेगा, 58। ये समझ में आया होगा, इतना क्लियर है, कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो, आगे मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा नहीं समझ में आया, आयुष आप बताओगे माइक ऑन करके, समझ में नहीं आया या डाउट नहीं है? सर डाउट नहीं है। अच्छा समझ में आ जाए ना तो यस लिखा करो, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो एन लिखा करो, ठीक है, ये हमेशा के लिए।
समझ में आ जाए हमेशा वाई लिखना। आगे करते हैं, ये संख्या 240 में से 156 हमें घटाना है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के देगा, 240 में से 156 घटाइए, ठीक है। तो ठीक है, 240 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या हम घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 0 से 6 कैसे घटाओ, है ना, ये छोटी संख्या है 0 और 6 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 क्या करेगा, हासिल लेगा, है ना, किससे हासिल लेगा, ये 2 से लेगा या 4 से लेगा, जस्ट अपने आगे वाले से लेता है हासिल, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 से ये हासिल ले लेगा, तो 4 से जैसे ही ये हासिल लेगा, है ना, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से बोलोगे 0 को काट के यहाँ पर 10 लिख दोगे, ठीक है, 10 लिख, ठीक है। ये 4 के जगह पर क्या लिखोगे, 4 एक हासिल दे दिया ना इसको, जब एक हासिल देगा तो यहाँ पर ये 3 बच गया, एक कम करके लिख दो, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 10 में से 6 घटा के बताओ मुझे कितना होगा, 10 में से 6 घटा के कितना होगा, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उतना आंसर करते चलो। आप बोलोगे 4, वेरी गुड, यहाँ पर 4 देगा, ठीक है। अब 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 घटा पाएंगे क्या, नहीं घटा पाएंगे ना, ठीक है। तो 3 में से 5 अभी नहीं घटाएंगे, तो 3 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, ये हासिल लेगा फिर आगे वाले से, तो अपने आगे वाले से हासिल लेगा, तो ये 2 जैसे ही इसको हासिल देगा तो ये बन जाएगा 13, ठीक है, क्या बन गया 13, और ये 2 को काट के आप यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और 2 को काट के आपने क्या लिखा, 2 को काट के आपने यहाँ 1 लिखा, ठीक है। अब देखिए 13 में से 5 आप घटाओगे, ये जो ऊपर 13 दिख रहा है ये वाले 13, तो 13 में से आपको 5 घटाना होगा, 13 में से 5 घटा के कितना लिखोगे, 13 में से 5 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 8। अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर ये 1 में से 1 घटाना है, तो 1 में से 1 घटाने का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, तो आप 0 लिख दो, या तो 0 लिखोगे या नहीं भी लिखोगे, तो दोनों ही आंसर सही होगा, तो यहाँ पर आएगा 84। इतना क्लियर है, 84 आंसर कैसे आया, ये समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, जल्दी से मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिख दूँ 352 में आपको घटाना है 176, बताइए इसको घटा के क्या लिखा, जल्दी से 352 में से 176 अगर घटाना है तो क्या करूँगा, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर लिखिए सभी, अगर सभी का आंसर सही आएगा मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ सही है, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल अभी कॉपी में सॉल्व करना है आपको, आंसर आ रहे हैं, दो आंसर क्यों आ रहे हैं, 186 आ रहा है और 176 आ रहा है, चेक करो किनका भी, ठीक है, ठीक, ज्यादातर लोगों का 176 है। इसको क्या करोगे, 2 क्या करेगा, 2 में से 6 घटेगा नहीं, 2 छोटी संख्या है 6 बड़ी संख्या है, तो ये इसको हासिल देगा, और ये जैसे ही हासिल देगा तो आप क्या करोगे, 2 को आप यहां पर काट दोगे, 2 की जगह पर यहां पे लिख दोगे 12, ठीक है, और ये 5 को काट के यहां पे लिख दोगे 4, ठीक है, यहां पर लिख दिया 4, 12 में से 6 घटाओगे आपको मिल जाएगा 6, ठीक। अब यहां पर 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा तो ये 3 से हासिल लेगा, 3 से जैसे ही हासिल लेगा तो यहां पर मैं इसको काट के लिख रहा हूं, देखो 14, और ये 3 को काट के मैं लिख दूंगा, तो 14 में से 7 घटाओगे आपको 7 मिलेगा, 2 में से 1 घटाओगे आपको 1 मिलेगा, 176 आंसर, ठीक है, 176, इतना क्लियर है, है ना, तो आप सभी के आंसर सही थे। चलिए तो अभी देखो एक चीज और सीखना है आपको, देखो लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था कि अगर आप एक नेचुरल नंबर को, यानी एक प्राकृतिक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या में जोड़ोगे तो हमेशा आपको एक प्राकृतिक संख्या ही मिलती है, ठीक है। अगर आप एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या को जोड़ते हो तो हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, हमेशा ऐसे होगा। जैसे देखो 5 में आप 3 को जोड़े, देखो ये 5 है, ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, तो जो मिलेगा ये भी पूर्ण संख्या मिलेगा। लेकिन क्या मैं अगर एक प्राकृतिक संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से घटाऊं तो हमेशा क्या प्राकृतिक संख्या मिलेगा, हाँ या ना, ये बताओ। एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से घटाएं तो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे नो, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे हमेशा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्यों, जैसे देखो मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ, 8 में 6 आपने घटाए, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, प्राकृतिक संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या आपने घटाए तो देखो यहाँ पूर्ण संख्या ही मिल रही है, होल नंबर ही मिल रहा है, तो पूर्ण संख्या ही, लेकिन
दूसरा उदाहरण को देखो, दूसरे उदाहरण में आपको क्या दिख रहा है, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो में आप एक दूसरा पूर्ण संख्या घटा दो, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन घटाने पे क्या मिलेगा? आप ये बोल सकते हो सर अभी तो आपने बोला कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते हैं, है ना, तो ठीक है। अगर मान लो जीरो में आपने अभी आप जब घटा रहे थे तो आप हासिल ले रहे थे आगे वाले से, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे घटाना हो तो जीरो तो के आगे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये किससे हासिल लेगा, किसी से हासिल नहीं ले पाएगा, है ना। तो ऐसे केस में भी हम लोग घटाते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या आपको घटाना हो और हासिल लेने के लिए आपको कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको ऋणात्मक संख्या मिलती है। ये याद रखिएगा अभी के लिए बस, कि छोटी संख्या में से अगर आप कोई भी बड़ी संख्या को घटाओगे, है ना, बड़ी संख्या को घटाओगे तो आपको जो मिलेगा वो नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव संख्या मिलेगी, ठीक है। ये अभी के लिए याद कर लो, आगे की क्लास में हम ये सारी और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो जीरो में से पांच माइनस पांच अगर घटा दोगे, जीरो में से पांच घटाओगे तो ये माइनस पांच मिलता है, ठीक है, और ये क्या है, ऋणात्मक। तो ये बताओगे माइनस पांच क्या पूर्ण संख्या है, हाँ या ना, ये पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर है, यस या ना, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है क्या माइनस पांच, तो बोलोगे नहीं सर पूर्ण संख्या नहीं है। तो जरूरी नहीं है, यहां से याद कर लीजिए, कभी भी मैं घटाओ का पूछूं तो आप बोलना कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिले, ठीक है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही केसेस बनते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है सारी चीजें, हाँ या ना, ये बताइए। अगर क्लियर है जल्दी से यस लिख दो या वाई लिख दो बस। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी तक तो आप लोग चैट में आंसर दे रहे थे, अभी आपको पोल में आंसर देना है, ठीक है, तो पोल में लॉन्च करूंगा, जल्दी जल्दी आंसर देना है। पहला क्वेश्चन तो काफी आसान सा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे 6-9 से कितना छोटा है, जल्दी से आंसर करो आप लोग, बस ये तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो इसे। और जो है 9 से कितना छोटा है, ट्राई करो कि सभी के आंसर सही हो, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, है ना, बस प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है और कुछ नहीं। देखो पूछा जा रहा है 6 9 से कितना छोटा है, काफी आंसर आए, मैक्सिमम आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर को छोड़कर सभी का आंसर सही है, ट्राई करो सभी के आंसर हो जाने चाहिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, जल्दी जल्दी आंसर करो आप। अभी भी काफी कम आंसर आए, ऐसा क्यों, ठीक है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड में अगर आप तक आंसर नहीं किया अभी तक तो जल्दी से ट्राई करो, इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अच्छा जो बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे हो आप क्लास के एंड में रुक जाना और मुझे बताना कि आप पोल में क्यों नहीं आंसर कर पा रहे, ठीक है, मुझे बताइए। तो वो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, 3 या -3, तो वो पूछा क्या जा रहा है, 6 9 से, तो 9 से कितना छोटा है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 - 9 करोगे, 6 में से 9 घटाओगे या 9 में से 6 घटाओगे, बताओ। ये करोगे अगर तो 1 लिखिए या ए लिख दो, अगर ये करोगे तो बी लिख, 6 में से 9 घटाओगे या 9 में से 6 घटाओगे, देखो अगर ये करोगे तो 6 में से 9 घटाओगे तो एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, है ना, ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 6 9 से कितना छोटा है। मान लो किसी के पास 6 रुपए, ऐसे समझो 6 रुपए, ये कोई बंदा है, इसका नाम मैं राहुल दे रहा हूँ, ठीक है, राहुल के पास 6 रुपए और मैं कह रहा हूँ ये मोहन, मोहन के पास 9 रुपए, मुझे बताओ राहुल के पास मोहन से कितने रुपए कम है, राहुल के पास मोहन से कितने रुपए कम, तो आपका आंसर क्या होगा,
आप बोलोगे 3 रुपए कम है सर, क्या किया आपने, 9 में से 6 घटाया ना, 9 में से 6 घटाया, तो जिसमें से देखो ये क्या कर रहे हो, इसको पढ़ो आप अपने मन में पढ़ो कि 9 में से 6 घटा रहे है ना, तो यहाँ पर जो पूछ रहे ना 6 9 से कितना कम है, 9 से, तो 9 से घटाओगे ना, ठीक है, तो आप ये बोलोगे 9 में से 6 घटाएंगे, ये नहीं कि पहले 6 लिखा हुआ है तो 6 में से 9 घटा के आंसर ये गलत होगा, समझ में आ रहा है, तो 9 में से 6 घटाओगे और आंसर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, तो बोलोगे 3 हमारा सही उत्तर, ये क्लियर है, 6 में से 9 नहीं घटाओगे। अगर मैं यहाँ पर ये पूछ लू, अगर मैं इसको देखो मिटा के ये पूछ लू कि 9 जो है 6 से कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, तो इसका भी आंसर 3 ही होगा, अभी भी 9 में से 6 घटे है ना, 3 ही आंसर आएगा, तो 6 9 से जितना छोटा होगा 9 6 से उतना ही बड़ा होगा, है कि नहीं, अभी आपको बताया ना, अगर दो भाई है ना, दो भाई है, ये 12 वर्ष का है, ये 8 वर्ष का है, तो अगर ये इससे 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष बड़ा है, तो ये इससे 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष छोटा है, तो 6 जितना छोटा होगा 9 उतना बड़ा होगा, क्लियर हुआ ये चीज, ये समझ में आया कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा, तो ऑप्शन सी नहीं सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आंसर किए थे ये वाला, अब समझ में आया ना कि ऑप्शन सी क्यों गलत है, ठीक है, तो ये गलती मत करना कि 6 पहले लिखा हुआ है तो 6 में से 9 घटा दी, तो ये आंसर आपका गलत है, ठीक है, तो जिससे लिखा गया 9 से कंपेयर करना है तो 9 में से घटाओ, ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, ये तो काफी आसान है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिलती है, यहाँ ट्राई करो, 42 में से 27 घटाना है, देखो आप कैसे करो, बयालीस में अगर 27 में जो घटाना रहेगा तो आप क्या करो, 32 माइनस 27 सॉल्व करो अपने कॉपी में, सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग आंसर करिएगा, अच्छा ठीक है, काफी लोग के आंसर आए हैं, कभी कभी सही है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, कुछ बच्चे अभी आंसर नहीं दिए, अच्छा अभी तक कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए, जल्दी से ट्राई करो, बट ये तो काफी आसान, ये सारे क्वेश्चन है, जोड़ घटाओ ये सारे तो काफी आसान होते हैं, आप सभी को आता है, ठीक है, ये 10 सेकंड्स और है आखिरी, ठीक है, इसके बाद में पोल को एंड कर दूंगा, अगर आप आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की, पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अगर आप नहीं कर पाए हो अभी तक आंसर, अब आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ 42 में से 27 घटाना है, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 42, यहाँ पर लिखोगे 27, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर घटाओ का साइन लगा, अब इसके आगे की चीज करोगे, आप क्या करोगे, 2 में से 7 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, यहाँ से वो 4 से हासिल लेगा, ठीक है, हासिल लेगा तो क्या करेगा, इस 2 को मैं काट रहा हूँ, इससे जैसे ही हासिल लिया तो ये बन जाएगा 12, और 4 को काट के क्या लिखो बताओ जल्दी से, 4 को काट के क्या लिखोगे, 4 के जगह पर आप बोलोगे 4 के जगह पर सर मैं 3 लिख दूँ, एक हासिल ले लिया तो 3 बचा, 4 में से 1 घटा, अब 12 में से 7 घटाओगे, 12 में से 7 घटाए कितना बचता है, 5 बचेगा, 12 में 7 घटा के 5 बचेगा, 3 में से 2 घटा के 1 बचेगा, है ना, तो आंसर कितना आया, 15 आया, ये तो काफी आसान है, 15 आया आंसर, क्लियर है ये, यस या नो, वाई या एन, सभी का वाई है ना, सभी को समझ में आया, आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 अंकों का है, 942 में से 635 घटा था, ट्राई करो इसे, जल्दी जल्दी करें, ट्राई जरूर करना है, ठीक है, अपने कॉपी में सॉल्व करो, ये नहीं सोचो कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, नहीं सॉल्व करो, बोल में आंसर करो, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए आपकी, प्रैक्टिस होगी आपकी,
है ना, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, मैथ्स प्रैक्टिस से ही सही होता है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करो ट्राई कीजिए। 942 में से 635 को मैं घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? अच्छा एक आंसर आ गया, दो आंसर आ गया, वेरी गुड। अच्छा कुछ बच्चे बीच क्लास में लेफ्ट होते हो और फिर से ज्वाइन होते हो, ट्राई करो तो पूरे क्लास कर ले, हो सकता है नेटवर्क एरर के कारण कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है या कोई भी रीजन से, ठीक है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश यही किया करो कि पूरी क्लास रेगुलर करनी है। ठीक है अच्छा इतना कम क्यों आंसर आया, सभी लोग ट्राई करो इसको आंसर करने की, 942 में से 635 घटाना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड और ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने नहीं आंसर किया है, ऐसा क्यों, आप लोग तो इसका आंसर क्यों नहीं किया, ये कठिन लगा क्या? ठीक है अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, अभी मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है देखो यहाँ 942 में से 635 घटा, तो आप इस तरीके से लिख दो ना, 942 635। ठीक अब आप क्या करोगे, यहाँ पर घटाओ का साइन, इधर से तो नहीं बढ़ेंगी है ना, इधर तक बढ़ेगी है ना, पीछे से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक अब देखो क्या करोगे, दो में से पांच घटेगा, नहीं घटेगा है ना, आप बोलोगे सर हासिल लेंगे यहाँ से, आगे वाले से हासिल लेंगे, तो यहाँ पर दो को काट के आप 12 लिख दोगे और 4 को काट के यहाँ पर 3 लिख दो। ठीक है अब 12 में से 5 घटाओगे तो 12 में से 5 घटा के 7 लिख दोगे। ठीक है 12 में से 5 घटा के 7 लिख, ठीक अब मुझे बताओ 3 से 3 घट जाएगा या हासिल लेना पड़ेगा, 3 से 3 घट जाएगा या हासिल लेना पड़ेगा, हाँ 3 में से 3 घट जाएगा ना, अगर मैं कभी भी दो सेम संख्या देखो ए में से ए को घटा रहे हो आपको 0 मिलेगा, मतलब 5 में से 5 को घटा रहे हो आपको 0 मिलेगा, 12 में से 12 को घटा दो आपको 0 मिलेगा है ना, तो 3 में से 3 घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा, कोई भी हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है अब हासिल नहीं है तो 9 की जगह पर कितना रहेगा, 9 ही रहेगा कि कुछ बदल जाएगा, 9 ही रहेगा ना, कुछ हासिल नहीं दिया ना, ये तो कुछ हासिल दिया ही नहीं है ना, हासिल नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर ये तो 9 ही रहेगा है ना, तो 9 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, तो आंसर कौन सा होगा, 307। क्लियर है, कितना क्लियर है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी फोर। ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं, देखो दो योग दिया गया है ना और उन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो अभी आपको बताया गया था कि अंतर का मतलब क्या होता है, इसको ट्राई करते हैं। देखो इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, बोला जा रहा है ये वाला और ये वाला के बीच का अंतर बताइए, अंतर मतलब तो घटाते ही आपको बताया गया था, तो पहले इसको आपको जोड़ना है फिर इसको जोड़ना है और जो आएगा उन दोनों के बीच का अंतर बताना है। Right. तो इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, ट्राई करो इसे सॉल्व करने की, इसमें काफी सारी चीजें करना है, पहले जोड़ना है फिर से जोड़ना है फिर right. सिर्फ में क्या करना है एक बार बताना, यहाँ बोला जा रहा है दो योगों, क्वेश्चन को पढ़िए, दो योगों 145 और 185 देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये वाला एक साथ लिखा हुआ है, इसको जोड़ना है फिर इसको जोड़ना है, ये दोनों योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना है ना, तो इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है उसके बाद ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा उसके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर का मतलब क्या होता है, अभी क्लास स्टार्ट करते समय बताया ना अंतर का मतलब आप घटाओगे। ठीक है तो देखिए अंतर कितना आ रहा है, देखो एक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, मैं मान लो कह रहा हूँ 5 + 2 है ना, एक ये योग हो गया, एक 3 + 1 ये योग हो गया, इन दोनों के योग के बीच का अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे, इसको पहले जोड़ दोगे आप बोलोगे 7, इसको जोड़ दोगे आप बोलोगे ये 4 हुआ, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 7 - 4 3 आंसर होता है। ठीक है तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता। ठीक है
लेकिन अभी आपको ये वाला सॉल्व करना है। अच्छा कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अब मैं चेक करूंगा कि आंसर सही है या गलत। अभी थोड़ी देर में देखो, सभी लोग ट्राई करो। देखो ये सारी क्लास करने का ये सारा फायदा होगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो, ट्राई करो इसको करने। जो भी आपका सही लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप आंसर नहीं करोगे। सही हो या गलत हो, आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कम से कम कोशिश करो। ठीक है, काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से ट्राई करो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुनील के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, जल्दी से आप माइक बंद कर दो। ठीक है, अभी भी काफी बच्चों के नहीं आंसर हुए हैं। ठीक है, अभी मैं 40 सेकंड दे रहा हूँ आप सभी को, 40 सेकंड और है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको समय लग रहा हो, काफी कम आंसर आए हैं, 40 सेकंड अभी रुक रहे हैं। ठीक है, तीस सेकंड, ठीक है, आखिरी 30 सेकंड और है, ट्राई करो जल्दी जल्दी सॉल्व करने। बीस सेकेंड अभी तक नहीं हुआ, काफी लोगों के आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन में, 20 सेकेंड और है। दस सेकेंड और, आखिरी 10 सेकेंड और है, जल्दी से ट्राई करो। जो भी आपको आंसर लगता है ट्राई करो, जल्दी से फुल में आंसर करो, 10 सेकेंड में एंड करके आगे बढ़ेंगे। थ्री फाइव सेकेंड, पांच चार तीन दो एक। अच्छा महेंद्र के नाम से जो बच्चे आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करोगे, ठीक है, जल्दी से अपना माइक। चलो अभी मैं पोल को एंड करता हूँ, चलिए इसको समझिए। तो यहाँ क्या बोला जाता है, यहाँ उनको बोला गया दो योग, इसको समझिए। एक तो ये है 145 प्लस 150, एक ये दिया हुआ है, दूसरा देखो ये है 234 प्लस 232, है ना, दूसरा ये। तो इन दोनों योगों के बीच में अंतर। अच्छा योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब कभी भी मैथ्स में लिखा रहे तो इसका मतलब आपको जोड़ना होता है ना, जोड़ना, ऐड कर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला जोड़ोगे, है ना, पहले मैं इसे जोड़ के देखा, है ना, इसको आप करोगे, ठीक है। तो इसको करोगे तो आप क्या करोगे, 145, बस मुझे ये बताओ जल्दी से कि 145 में 185 जब आपने जोड़ा तो क्या आपका आंसर आएगा, ये बताओ। ये किसी ने जोड़ा, ये जोड़ के कितना मिला, देखो 5 में 5 की आप जोड़ोगे, लास्ट क्लास में जोड़ने सिखाया था, 5 में 5 जोड़ोगे 0 मिलेगा, 30 10 मिलेगा तो 0 लिखो, तो 10 का 0 लिखा, एक कहां लिखोगे, एक ऊपर लिखो, है ना, हासिल। अब इसको जोड़ो, 4 एक 5 और 8 5 13, यहां पर 3 लिख दोगे, हासिल एक जो होगा एक यहां पर। अब ये तीनों एक 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 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 330 आ गया, 330, ठीक है, तो ये तो हमारा 330 है। चलिए अब बढ़ते हैं इस वाले पे, इसको अगर आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इसको जोड़ के कितना मिल रहा है ये बताइए, 234 में अगर आप 232 को जोड़े, आप योग करने की बात की जाएगी तो 4 और 2 को जोड़ा 6 मिला, 3 और 3 को जोड़ा 6 मिला, और 2 और 2 को जोड़ा तो 4 मिला, इसमें तो कोई भी हासिल भी नहीं आया, 466। अब बोला जा रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, तो जब भी अंतर पूछा जाए, एक संख्या 330 है और एक 466 है, तो अंतर पूछने का मतलब कभी भी इसके बीच का अंतर पूछा जाए, है ना, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी पॉजिटिव है, तो बड़ी में से छोटी घटा दो,
तो 466 में से 466 में से आप 330 को घटा दो तो यही जो आएगा वो अंतर आएगा, है ना। तो अंतर कितना आएगा, 6 में से 0 घटाओगे 6 मिलेगा, यहाँ पर माइनस कर दो, 6 में से 3 घटाओगे, बड़ा में से छोटा घट रहा है, कोई भी हासिल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3 लिखोगे, 4 में से 3 घटाओगे, बड़ा में से छोटा 136। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी। कितना क्लियर है क्या? हाँ यार, ये बताओ 136 कैसे आंसर आया? ठीक है, अंतर का मतलब समझ में आया कि जब भी आपसे अगर अंतर पूछा जाए आप इसी तरीके से। अच्छा, हो सकता है अभी थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन अभी नहीं देखी, तो बस फिर से अगर दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में वाई लिख के बताओगे, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। देखो, हमारे तरफ से कोई भी नेटवर्क एरर होगा तो पहले मुझे पता चल जाता है, मैं खुद बोल दूंगा कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, अब दिख रही है, अब दिख रही होगी सभी। अभी हम लोग कहाँ थे सर? पहले भी दिख रही थी और अब भी दिख रही है। अब दिख रही होगी, अब दिख रही है ना। चल, अब मैं देख पा रहा हूँ, सभी को दिख रही है। चल ठीक, तो ये हमने किया 146। मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं पूछ दूँ आपसे जल्दी से कि 12 और 10 के बीच का अंतर कितना है, क्या बोलो? 12 और 10 के बीच का अंतर कितना है? अगर अंतर बोला जाए तो आप क्या करोगे, सीधे बड़ा में से छोटा घटा दोगे, आप बोलोगे 12 में से 10 घटाएंगे सर, 2 का अंतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला जो टॉपिक तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, इसका गुण संख्याओं का गुणन, गुणन मतलब गुना करना, गुना करना भी आपको पता है। जैसे देखो, इसको समझते हैं पहले इस तरीके से। आपके पास कुछ क्यारियां हैं, ध्यान से समझो, यहाँ पर इस क्यारी में 5 फूल है, ठीक है, इस क्यारी में भी 5 फूल है, इस क्यारी में भी 5 फूल है, तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल यहाँ पर कितने फूल, क्या आंसर बोलो, बस इतना बताओ टोटल कितने फूल है। आपने क्या किया, बोला कि यहाँ पर 5 फूल है सर, यहाँ पर 5 फूल है, यहाँ पर 5 फूल है, आप क्या करोगे, 5 + 5 + 5 = 15। ठीक है, यही किया ना, यही किया, और कुछ किया इसके अलावा भी कुछ किया तो मुझे बताओ, सभी ने यही किया क्या, और कुछ कर सकते थे, और भी कुछ कर सकते थे क्या? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ बोलोगे सर 5 5 5 को जोड़ दिया। अच्छा देखो, यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट हुई थी आपको एक चीज बताया गया था क्या, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना तो क्या कहते हैं, वेरी गुड मोहित, मोहित ठीक है, मोहित का नाम से जो बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, चैट में लिख के बताओ। एक ही संख्या को अगर मैं बार बार जोड़ूं उस विधि को क्या कहते हैं, गुना करना कुछ नहीं होता, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना होता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 को आप 3 बार जोड़ रहे हो ना, 5 को 3 बार जोड़ रहे हो, तो 5 को 3 बार जोड़ने से बेटर ये आप कर दो कि 5 को 3 से गुना कर दो, है ना, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 फूल है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 को 3 से गुना कर दो या 3 की 5 से गुना कर दो, दोनों ही तो सेम आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्या है, 3 है कितने क्यारी, ठीक है, 5 कितना है, 5 कितने फूलों की संख्या है, एक क्यारी में कितने फूलों की संख्या है। ठीक है, देखो 3 यहाँ क्या लिख रहा है, क्यारी की संख्या, और 5 क्या है, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल, कितना क्लियर है, कितना क्लियर है क्या? अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे क्या कि अगर यहाँ पर 5 फूल है, यहाँ पर 5 फूल है, यहाँ पर 5 फूल है, अगर मुझसे, ध्यान से सुनना मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए यहाँ पर टोटल कितने फूल हैं, तो आप ऐसे आंसर करोगे क्या, 5 × 5 × 5, ये सही होगा क्या, यस या नो? नहीं, ये गलत होगा। अगर कुछ लोग यस कह रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, इसको गुना करोगे तो 125 आ जाएगा, तो 125 फूल नहीं है ना, तो 5 को 3 बार जोड़ना है, 5 को 3 बार गुना नहीं करना है, है ना, 5 को 3 बार जोड़ना का मतलब 5 को 3 से गुना करना, ये नहीं कि 5 को ही 3 बार गुना कर देना, ये अलग आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मत करना गलती से कि 5 को ही 3 बार गुना करना, 5 को 3 बार जोड़ना मतलब 5 की 3 से गुना करना, ऐसे समझो। 5 को अगर मैं, या ऐसे समझो, 6 को अगर मैं 4 बार मुझे जोड़ना हो तो क्या करोगे, 6 की 4 से गुना करोगे ना, 6 की 4 से गुना कर दोगे, 24 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, इन्हें कि 6 के 4 4 से 6 की 6 4 बार गुना कर लो, ये नहीं कर, ठीक
अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछू यदि क्यारियों की संख्या सात कर दी जाए, मतलब सात क्यारी हो जाए, एक क्यारी में कितने फूल है, पांच फूल, और टोटल क्यारी सात हो जाए, तो अब फूल कितने हो जाएंगे? एक क्यारी में पांच फूल है, टोटल सात क्यारी है, तो आप बोलोगे सर टोटल सात क्यारी है, हर एक क्यारी में पांच फूल है, तो आप बोलोगे सीधे सात गुना पांच 35, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले क्यारी में पांच, दूसरे में पांच, तीसरे में पांच, चौथे में पांच, पांचवे में पांच, छठे में पांच, सातवें में, तो इनको सात बार जोड़ेंगे, है ना। तो ये सात बार जोड़ने में आपको काफी टाइम लग जाएगा ना, तो इससे बेटर ये करोगे कि सात गुना पांच कर दो, तो यहाँ से आपका 35 आएगा, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। तो हमने ये कहा, ठीक है, 35 की बातें क्लियर है। अब देखो गुना कहाँ पर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर सभी क्यारी में देखो एक ही समान फूल है, यहाँ भी पांच है, यहाँ भी पांच है, यहाँ भी पांच, तीनों ही में सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स है, तब तो हमने गुना कर दी, पांच के तीन से, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसलिए हमने यहाँ पर गुना का प्रयोग किया। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता इस तरीके से कि पहले वाले क्यारी में आठ फूल है, इसमें चार फूल है, इसमें तीन फूल है, अब हम लोग गुना कर पाते क्या? अब गुना नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, अब टोटल आठ प्लस चार प्लस तीन करेंगे। अब अगर अलग अलग होगी, समान नहीं होती, तो हम लोग योग, योग जब भी कर रहा हूँ मतलब समझ जाना जोड़ कर, है ना, तो जोड़ते हैं, ठीक है, तब इसको बोलते हैं आठ चार बारह और तीन पंद्रह फूल, है ना, इस तरीके से जोड़ कर बता, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अगर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन आपके डेली लाइफ में पूछ रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से आप लोग स्कूल, आप सभी लोग जाते हो सुबह सुबह, क्या करते हो, मॉर्निंग प्रेयर करते हो ना, है ना, लाइन में लग के, तो मान लो जो डॉट बना रहा हूँ, मान लो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर इस तरीके से खड़े हो, ये बच्चे हैं, ठीक है, तो पहला लाइन है, इसमें टोटल छह बच्चे हैं, ये दूसरा लाइन है, इस लाइन में भी टोटल छह बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं बोला हूँ ये तीसरा लाइन है, तीसरे लाइन में भी टोटल छह बच्चे हैं, ठीक है, और ये चौथा लाइन है, इस लाइन में भी टोटल छह बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल यहाँ पर कितने बच्चे हो, टोटल बताओ कितने बच्चे हैं टोटल, तो आप क्या बोलोगे, सर कितने लाइन है, आप बोलोगे देखो आप तो एक पूरा काउंट कर सकते हो, है ना, या तो काउंट करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर टोटल छह बच्चे हैं, यहाँ पर छह बच्चे हैं, यहाँ पर छह बच्चे हैं, यहाँ पर छह बच्चे हैं, इन सभी को जोड़ोगे, है ना। लेकिन ये करने से बेटर आप ये करोगे ना, आप सीधे बोलोगे सर अगर मैं ऐसे देखूं कि टोटल कितने लाइन, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, है ना, तो एक लाइन में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर एक लाइन में टोटल छह बच्चे, ठीक है, और टोटल लाइन कितने हैं, तो टोटल लाइन चार लाइन है ना, टोटल चार लाइन, चार लाइन, तो एक लाइन में छह बच्चे, टोटल चार लाइन, तो आप बोलोगे टोटल कितने, 6 × 4 यानी 24 बच्चे, इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, हाँ या नहीं ये बताओ, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये ट्राई करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, तो आंसर कहाँ करोगे आप लोग, कौन सेक्शन में करना है आपको आंसर, आठ की अगर पांच से गुना कर तो क्या मिलेगा, आठ के अगर पांच से गुना करोगे क्या मिलेगा, ये तो काफी आसान है, काफी लोगों के आंसर आ गए, है ना, सभी लोग आंसर किए जल्दी जल्दी, कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं किए हो, ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं, आठ का टेबल आपको याद है ना, क्लास स्टार्ट करते सर आपको 20 तक का टेबल याद करवाया था, तो आठ पंजे ही कर दो, आठ के पांच से गुना करके कितना मिलेगा, तो एक संख्या का गुना तो काफी आसान, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा फिर आगे बढ़े, ठीक है सर, वेरी इजी था, हाँ ये काफी आसान था, हाँ मुझे भी पता है, ये बस प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा ना कितने बच्चे आंसर सही कर पा रहे हैं, पांच सेकंड, और पांच चार तीन दो एक, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं,
अब इसको समझते हैं, है ना, आपका चैट सेक्शन होता है। अब इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, सीधे आप बोलोगे 8 के 5 से गुना करके क्या बोले थे 40, 8 इंटू 5 सीधे टेबल आपको याद है 40, है ना। या आप ऐसे कर सकते हो 8 को 5 बार जोड़, लेकिन उतना करने की भी जरूरत नहीं, 8 गुना 5 40, है ना। ये क्लियर है सभी का? यस या नो, ये बताइए। चलिए, अगर समय हो चुका है इसलिए क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, है ना। आगे दो संख्या तीन संख्या का गुना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी आपको होमवर्क दी जाएगी, ठीक है। तो होमवर्क नोट करके ही आप क्लास लेफ्ट करके जाओगे।